नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में यदि किसी पुरुष ने किसी महिला पर हाथ उठाया है तो मैं खुद अदालत में जाऊंगी और उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगी। तो शीनापुरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज 6.5 साल बाद जमानत दे दी है। वही शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस को एक नाकाम नेता बताया है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री व शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी के नाम पर करने की मांग की है। तो उधर प्रदेश के 4 जिलों में इंटरसिटी ट्रैवल के लिए फील्ड तरीके से 50 इलेक्ट्रिक बसों को चालू करने की जानकारी मिली है। पहले बैच की पहली बस को 1 जून से अहमदनगर पुणे रूट पर लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पुणे में आयोजित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। बीजेपी और एनसीपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। इसी बीच एनसीपी की सांसद व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में यदि किसी पुरुष ने किसी महिला पर हाथ उठाया तो मैं खुद अदालत में जाऊंगी और उनका हाथ तोड़कर उनके हाथ में दे दूंगी। इस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि भाजपा के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा रांकापा की महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट करने की घटना निंदाजनक है। इस मामले में पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। राज्य महिला आयोग ने भी पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की है। गौरतलब है कि पुणे में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा एनसीपी की पुणे विभागीय महिला अध्यक्ष वैशाली नागवाड़े और अन्य 4 महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला सामने आया है। सुप्रिया ने कहा कि एनसीपी रांकापा की महिला कार्यकर्ता ईरानी को केवल महंगाई के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि यह सब शरद पवार की मौन सहमति से हो रहा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में राज्य सरकार प्रायोजित आतंकवाद है। शांतिपूर्वक जीवन जीने का लोगों को अधिकार एनसीपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के कारण खतरे में पड़ गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने आतंकवाद के जरिए राजनीति विरोधियों का सफाया करने की योजना बनाई है। शीनापुरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज 6.5 साल के बाद जमानत दे दी। अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। इंद्राणी साल 2015 के अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद मुंबई में भाईखला जेल में कैद है। इस मामले में जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि अपनी बेटी की योजना बनाकर हत्या करने का जघन्य अपराध इंद्राणी ने किया है, जो नरमी दिखाने के काबिल नहीं है। हाल में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को एक पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि शीना बोरा जिंदा है। उन्होंने यह दावा किया था कि जेल में एक कैदी ने उन्हें बताया था कि वो कश्मीर में शीना से मिली थी। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी उनके पहले पति की बेटी थी, जिसकी 24 अप्रैल 2012 को गला घोटकर हत्या कर दी गई थी और लाश को जला दिया गया था। यह मामला साल 2015 में सामने आया था। शीना बोरा की हत्या सौतेले भाई के प्रेम प्रसंग और संपत्ति विवाद की वजह से हुई थी। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी के पीटर मुखर्जी के पहली पत्नी से हुए बेटे का नाम राहुल है, जिससे शीना का अफेयर चल रहा था। इस बात से इंद्राणी और पीटर दोनों नाखुश थे। इस हत्याकांड को 2012 में अंजाम दिया गया था। 2 साल तक सभी लोग यही समझते रहे कि शीना पढ़ाई के लिए अमेरिका गई हुई है। हालांकि 2015 में पुलिस को यह खबर मिली कि शीना की हत्या कर दी गई है। इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर श्याम मनोहर राय और एक अन्य व्यक्ति की मदद से शीना को मौत के घाट उतार दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जोरदार घमासान जारी है। भाजपा शिवसेना की तकली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुद्दा खत्म होते ही दूसरा सामने आ जाता है और फिर शुरू हो जाती है लड़ाई। ताजा मामला भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधे निशाने पर लिया था। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस एक नाकाम नेता है। विपक्ष के इस नाकाम नेता के लिए ढलान पर उतार रही गाड़ी में ब्रेक लगाना मुश्किल है और ऐसे में दुर्घटना होना अपरिहार्य है। बता दे कि देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी मस्जिद ढांचे से करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि वह तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा नहीं देते। फडणवीस ने यह भी कहा था कि शिवसेना का मतलब मुंबई, महाराष्ट्र या हिंदुत्व नहीं है और कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता, लेकिन वे शहर को भ्रष्टाचार और गलत कृत्यों से मुक्त करना चाहते हैं। शिवसेना नेता राउत ने उनके इसी बयान को लेकर तंज कसा है। राउत ने कहा कि वे न खुद को बचा पा रहे हैं और न ही विपक्ष की गाड़ी को। ढलान के कारण उनमें हड़बड़ाहट है। वही शिवसेना
कहा कि विधान परिषद एवं पार्टी प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में जब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था तो फडणवीस ने इसे हास्य कार्यक्रम बताया। उन्होंने सवाल किया था कि क्या वह आपका हिंदुत्व है, लांछन लगाने के पहले अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देख लेते। महाराष्ट्र के मंत्री शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी के नाम पर करने की मांग की है। नई दिल्ली में सुभाष देसाई ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ मुलाकात के दौरान यह मांग की थी। देसाई के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड भी थे। औरंगाबाद के पालक मंत्री देसाई ने सिंधिया से यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा पहले ही इस तरह की मांग सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है। इस पर सिंधिया ने देसाई को आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय औरंगाबाद हवाई अड्डे से संबंधित सभी मांगों समेत अन्य शहरों तक संपर्क बढ़ाने और संभाजी की प्रतिमा लगाने से जुड़ी उनकी मांग पर विचार करेगा। इसके बाद एक कदम और बढ़ाते हुए देसाई ने कहा कि मुंबई और औरंगाबाद के बीच सुबह में उड़ान सेवा होनी चाहिए ताकि मराठवाड़ा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर में कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस मुलाकात को अहम बताते हुए एक अधिकारी ने कहा कि यह रनवे का विस्तार करने की जरूरत है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन जमीन का अधिग्रहण करेगा। बता दे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। शिवसेना का औरंगाबाद से संभाजी नगर नाम करना पुराना मुद्दा है जबकि कांग्रेस और एनसीपी इसके विरोध में है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर शिवसेना अपने पुराने एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश करती है तो बहुत संभव है कि एमवीए सरकार में साझी कांग्रेस और एनसीपी अपने मुस्लिम वोटरों को बनाए रखने के लिए जोरदार ऐतराज जता सकती है। शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की माने तो प्रदेश के 4 जिलों में इंटरसिटी ट्रैवल के लिए फेंट तरीके से 50 इलेक्ट्रिसिटी बसों को चालू करने की योजना है। पहले बैच की पहली बस को 1 जून से अहमदनगर पुणे रूट पर लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि इन इलेक्ट्रिक बसों में मौजूद बैटरी पैक 90 से 120 मिनट में फुल चार्ज होगा और ये सिंगल चार्ज में 25 किलोमीटर की रेंज निकालेगा। ये बसें एयर कंडीशनर से लेस होगी। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में कई शहरों की राज्य सरकार भारी योगदान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी बस आधारित परिवहन सिस्टम को इलेक्ट्रिक में बदला है। कंपनी ने कहा कि भारत सरकार में भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण फेज 2 स्कीम द्वारा इसे और तेज किया गया है। ग्रीन सेल मोबिलिटी नामक कंपनी राज्य में 12 मीटर बसों के साथ ग्रीन रूट बनाएगी। कंपनी ने जानकारी दी कि एक अवधि में पुणे और औरंगाबाद के बीच पुणे अहमदनगर मार्ग के विस्तार के रूप में 10 बसें चलेगी जबकि 12 बसें पुणे कोल्हापुर मार्ग पर चलाई जाएगी। इसके अलावा पुणे और नासिक के बीच 18 बसें चलेगी और अन्य 10 कोच पुणे सोलापुर इंटरसिटी रूट पर तैनात होंगी। जानकारी के अनुसार ग्रीन सेल ई मोबिलिटी SA सर्विस प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर रहा है जिसके लिए कंपनी शुरू में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल कर रही है और सस्ते ऑन डिमांड शेयर्ड परिवहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के लिए प्रोडक्ट मुहैया करने का प्रयास कर रही है। आशातीत और सार्थक परिणाम की अपेक्षा के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पिरारीवलन की 31 साल से अधिक पुराने कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला उसे शिवलिंग कहना असल में हिंदुत्व का मजाक उड़ाना है। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच नागपुर स्थित RSS के मुख्यालय के डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन की रेकी के मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तो उधर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई रवाना हो रही हमसफर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर करीब 2 घंटे तक तलाशी ली गई लेकिन बम नहीं मिला। देशभर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पिरारीवलन की 31 साल से अधिक पुरानी कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल में उनके अच्छे आचरण, चिकित्सा स्थिति, शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। पिरारीवलन ने मानवीयता के आधार पर इस मामले में याचिका दाखिल की थी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक बम धमाके में हुई थी।
धमाके में उपयोग किए गए 2 9 वोल्ट की बैटरी खरीदकर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में एजी पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। इसके तहत कोर्ट किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो हम आंख मूंद नहीं सकते। साथ ही कहा था कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया है। इस मामले में पहले जयललिता और एके पलानी सामी ने तमिलनाडु कैबिनेट में 2016 और 2018 में दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपालों ने इसे नहीं माना था। आखिर में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। पेरारिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोषियों ने दलीलें दी कि 16 साल से ज्यादा की सजा भुगतने के बाद भी अन्य दोषियों की तरह उन्हें छूट से वंचित कर दिया गया है। अब तक वे 3 दशक तक जेल की सजा काट चुके हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिरों को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि बड़ी संख्या में इस्लाम ग्रहण करने वाले लोगों ने अपने पूजा स्थलों को मस्जिद में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मस्जिदों को न छुआ जाए। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर अपनी बात रखते हुए तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला उसे शिवलिंग कहना असल में हिंदुत्व का मजाक उड़ाना है। देश में ऐसे कई मस्जिद है जहां पहले मंदिर थे, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो बस इन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिदों को न छुआ जाए। यदि सरकार जबरन कुछ करती है तो मुसलमान सरकार का विरोध करेंगे। मुस्लिम कानूनी लड़ाई नहीं चाहते हैं क्योंकि वे बाबरी मस्जिद का फैसला देख चुके हैं। इस बार हम किसी कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। नफरत बेचने वालों, देश के हर मस्जिद में फव्वारे के साथ शिवलिंग मिलेगा। यदि उनका बस चले तो वो सब पर अतिक्रमण करेंगे। आला हजरत खानदान के सदस्य मौलाना तौकीर ने कहा कि सरकार को फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता है। बाबरी मस्जिद पर हमने सब्र किया, अब नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मसले पर जबरदस्ती की गई तो सरकार को विरोध झेलना होगा। तौकीर ने कहा कि हर फौज में ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। जामा मस्जिद के हौज का फोटो लीजिए, नौमहला मस्जिद में भी पत्थर मौजूद है। ऐसे मसले पैदा कर हिंदू मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल पिछले 1 महीने से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। एक साक्षात्कार में हार्दिक ने कहा था कि जो हाल राजस्थान में सचिन पायलट का हुआ, कुछ वही स्क्रिप्ट गुजरात में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। हार्दिक ने राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर भाजपा की तारीफ की थी। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देने के साथ ही सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है। पटेल ने कहा है कि हाईकमान मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। जब मैं गुजरात की समस्याओं को लेकर जाता था तो टॉप लीडरशिप मोबाइल फोन में व्यस्त रहते थे। हार्दिक पटेल की नाराजगी के बाद कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुआ था। राहुल गांधी ने हार्दिक से मैसेज कर नाराजगी की वजह भी जानी, लेकिन उसके बाद राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हार्दिक ने पिछले दिनों ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपने बायो से कांग्रेस को हटा दिया था। यहां तक कि 13-15 मई तक उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए हार्दिक को भी न्योता मिला था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए थे। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत भी मिली थी। पटेल पर पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। अब माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक वे अलग महीने पार्टी का दामन थाम सकते हैं। गुजरात में 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने का असर इस चुनाव में पड़ सकता है। नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय के डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन की रेकी के मामले में कश्मीर से जैशे मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसने पिछले दिनों रेकी कर इस भवन का वीडियो पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर को भेजा था। नागपुर एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख को दबोच लिया गया है। उसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा शहर से पकड़ा गया है। उसे जम्मू कश्मीर से प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर नागपुर लाया गया। पिछले 2 दिनों में उससे व्यापक पूछताछ की गई। शेख ने पूछताछ में बताया कि उसका हैंडलर पाकिस्तान के नवाबपुरा में स्थित जैश का ऑपरेशनल कमांडर उमर है। उमर आतंकियों के लॉन्च पैड पर मौजूद है। शेख ने एटीएस को बताया कि वो दिल्ली मुंबई नागपुर फ्लाइट से 13 जुलाई 2021 को नागपुर आया था। यहां पहुंचने के बाद उसने सीताबाड़ी इलाके के एक होटल में चेक इन किया। हैंडलर ने शेख को आश्वासन दिया था कि एक स्थानीय व्यक्ति संपर्क करेगा और नागपुर में ऑपरेशन में उसकी मदद करेगा। अधिकारी ने बताया कि हालांकि शेख को कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला और उसने खुद ही संघ कार्यालय की टोह ली।
नागपुर पहुंचने के बाद 14 जुलाई को शेख ने ऑटो रिक्शा लिया और रिशिमबाग इलाके में पहुंचा। वहां उतरकर उसने गूगल मैप की मदद से वीडियो बनाया और पाकिस्तान स्थित हैंडलर उमर को भेजा था। आतंकियों का लक्ष्य RSS दफ्तर की रेकी करना था। वीडियो भेजने के बाद शेख ने एक ऑटो रिक्शा चालक को बुलाया और उसे एक मस्जिद में ले जाने के लिए कहा। ऑटो चालक ने उसे संतरा मार्केट गेट के पास एक मस्जिद में छोड़ दिया, जहां वो दिन भर रहा और शाम को होटल लौट आया। 15 जुलाई को शेख नागपुर दिल्ली श्रीनगर विमान से श्रीनगर लौट गया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई रवाना हो रही हमसफर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर करीब 2 घंटे तक तलाशी ली गई, लेकिन बम नहीं मिला। हमसफर एक्सप्रेस मंगलवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रात 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होनी थी। रात 9:15 बजे ट्विटर से रेलवे को ट्रेन में बम होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही ट्रेन को रोक दिया गया। रेलवे पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने एक एक बोगी की तलाशी ली, लेकिन बम नहीं मिला। डॉग स्क्वाड की मदद से रेलवे स्टेशन पर छानबीन की गई। प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को यार्ड में भेजा गया। बताया जा रहा है कि मिलन रजक नामक व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे। मिलन ने ट्विटर इंडिया, PMO, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल को टैग करके लिखा था कि गाड़ी में कुछ आतंकी यात्रा कर रहे हैं। योजना के अनुसार गोरखपुर से निकलते ही वे ट्रेन को बम से उड़ा देंगे, लिहाजा एक सप्ताह के लिए ट्रेन को निरस्त करके अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा हादसा होगा, कृपया मदद कीजिए, ट्रेन निरस्त करा दीजिए। बम की सूचना रेलवे कंट्रोल को मिली और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली हमसफर एक्सप्रेस रोक दी गई। ट्रेन में बम की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। देखते ही देखते गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। एक एक बोगी की छानबीन की गई। कैटरिंग कोच में भी डॉग स्क्वाड के साथ जाया गया। हमसफर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन है, गोरखपुर से मऊ, वाराणसी, सतना के रास्ते मुंबई जाती है। ट्रेन मैनेजर शीतल प्रसाद ने बताया कि हमसफर एक्सप्रेस समय से रवाना हो गई थी, लेकिन समय से सूचना मिल गई, लिहाजा ट्रेन रोक दी गई। सतर्कता के लिहाज से ट्रेन यार्ड में लाई गई है। गलत सूचना देने के आरोपी मिलन रजक के खिलाफ GRP थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संदेह में एक शख्स को नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लद्दाख में नापाक साजिश रच रही चीन की सेना पेंगोंग झील पर विशाल पुल बना रही है, तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नागरिक के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस भारतीय नागरिक ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में कहा था कि वो अमेरिकी नागरिक है। वहीं लंदन की रहने वाली महिला ने एक एलियंस के साथ प्यार करने का दावा किया है। इसी बीच श्रीलंका में चल रहे भीषण आर्थिक संकट के असर से नुवारा एलिया स्थित रामायण प्रसिद्ध अशोक वाटिका में भी अछूता नहीं है। इसे यहाँ सीधा अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। तो उधर जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने हर्बल अकाइव में मौजूद करीब 1000 एस्टेरॉइड्स ट्रेल्स को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। लद्दाख में नापाक साजिश रच रही चीन की सेना पेंगोंग झील पर विशाल पुल बना रही है। ये चीन की ओर पेंगोंग झील पर बनाया गया दूसरा पुल होगा, जिसका इस्तेमाल भारी युद्धक वाहनों जैसे टैंक, हथियारबंद वाहनों को भारतीय सीमा के बेहद करीब तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ये दूसरा पुल ऐसे समय पर बना रहा है जब लद्दाख में चल रहा गतिरोध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। चीन की ओर से बना जा रहा पुल अब पूरा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले पुल का इस्तेमाल दूसरे पुल के निर्माण के लिए सर्विस पुल के रूप में किया जाएगा। नया पुल पहले बनाए गए पुल के ठीक पास है और ये पहले की तुलना में काफी बड़ा और चौड़ा है। सूत्रों ने बताया कि चीन के नए पुल के निर्माण को 3 सप्ताह पहले ही देखा गया है। चीन ने अपने पहले बनाए गए पुल को पहले से बनाए ढांचे को फिट करके बनाया था, ताकि भारतीय सेना के किसी आक्रामक अभियान का जवाब दिया जा सके। इसके पहले भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित चोटियों पर कब्जा करके चीन को बैकफुट पर ला दिया था। चीन का मकसद भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई को रोकना है। चीन के इस पुल से अब खुरनाक से रुडोक के बीच रास्ता 40 से 50 किलोमीटर कम हो गया है। पेंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। ये झील लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैली हुई है। चीन की कोशिश भारतीय सैनिकों को कई रास्तों से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने से रोकना है। उधर भारत ने कहा है कि चीन की तरफ अभी हमले की कोई आशंका नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरी ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नागरिक के खिलाफ फैसला सुनाया है। दरअसल भारतीय नागरिक ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में कहा था कि वो अमेरिकी नागरिक है। भारतीय नागरिक का नाम पंजाब कुमार पटेल है। कोर्ट के दस्तावेज के अनुसार पंकज गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में अपनी पत्नी ज्योत्सना बेन के साथ 1990 से रहता आया है। उसने अमेरिका की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसे 2000 में खारिज कर दिया गया था। कोर्ट के दस्तावेज में कहा गया है कि अमरीकी सरकार ने पंकज को देश से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही पटेल का कहना है कि मैंने गलती से लाइसेंस के फॉर्म में अमरीकी नागरिक के आगे बॉक्स में टिक कर दिया था।
और यह कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन जज उसकी बातों से सहमत नहीं हो पाए। इसके बाद पंकज पटेल ने फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, फेडरल कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है। वही ये भी कहा कि वो इस तरह के दस्तावेजों की पुष्टि करे। ये मामला व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठा था। प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन से जब इस बात पर सवाल पूछा गया कि क्या बाइडेन सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, तो उन्होंने कहा कि यह मामला न्याय विभाग का है, उन्हें ही इस बात पर फैसला लेना है। बता दें कि पंकज पटेल के 3 बेटे हैं। कोर्ट के दस्तावेज के अनुसार इसमें से 1 अमरीकी नागरिक है, जबकि 2 कानूनी तौर पर स्थायी निवासी है, जिनकी अमरीकी महिला से शादी हुई है। लंदन की रहने वाली महिला ने एक एलियंस के साथ प्यार करने का दावा किया है। उसका कहना है कि वो जिससे प्यार करती है वो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है। एब्बी बेला, जिसे एमैनुएला रोज नाम से जाना जाता है, वो अमरीकी फिल्मों में भी काम करती है और एक पॉडकास्टर है। उसका दावा है कि पूर्वी लंदन में एलियंस ने उसका अपहरण किया था और बाद में उसे वापस छोड़ दिया गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में एब्बी ने अपनी कहानी साझा की और कहा कि एक इंसान की तुलना में एक एलियन से प्यार करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और वो एलियन को डेट करके खुश है। एलियन से वो कैसे मिली, इस बात के जवाब पर एब्बी बेला बताती है कि 1 साल पहले कैनवी वॉर्फ में एलियंस ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके पास एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है। एब्बी बेला ने कहा कि वो UFO में बैठ चुकी है और असाधारण घटनाओं का अनुभव भी कर चुकी है। जब UFO के अंदर थी तो एलियंस ने उसे ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जो अब तक शायद इस धरती पर मौजूद नहीं है। जब पूछा गया कि वो आखिर एलियन का चेहरा क्यों नहीं दिखाती, तो महिला ने कहा, सुरक्षा कारणों से मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोग एलियन को एरिया 51 में लेकर जाए और फिर किसी लैब में लिटाकर उसके साथ प्रयोग करे। महिला ने कहा कि जब मुझे उसकी याद आती है तो वो अपना UFO लेकर आ जाता है और फिर हम साथ घूमते हैं। श्रीलंका में चल रहे भीषण आर्थिक संकट के बीच द्वीप राष्ट्र श्रीलंका ने नुआरा एलिया में स्थित रामायण प्रसिद्ध अशोक वाटिका, जिसे सीता अम्मा मंदिर भी कहा जाता है, वित्तीय संकट का सामना कर रही है। आर्थिक मंदी के बीच मंदिर प्रबंधन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीता अम्मा मंदिर के अध्यक्ष और नुआरा एलिया सांसद वी राधाकृष्णन ने बताया कि सीता माता मंदिर की इस व्यवस्था सही तरीके से बनाए रखने के लिए मंदिर और उसके कर्मचारियों को कठिन समय का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अशोक वाटिका का रामायण में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत से, विशेष रूप से उत्तर भारत से, हजारों भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन फिलहाल कोई नहीं आ रहा है। इस कारण मंदिर को चलाना कठिन हो रहा है, जबकि इसका विकास भक्तों और पर्यटकों पर निर्भर है। कर्मचारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटक अभी श्रीलंका आने से डर रहे हैं। सीता अम्मा मंदिर के अध्यक्ष ने भारत के लोगों से श्रीलंका में आने की अपील की है, ताकि देश में पर्यटन फिर से शुरू हो सके। पिछले 10 सालों में टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे प्रमोद बताते हैं कि मैंने पहले कभी सीता अम्मा का मंदिर खाली नहीं देखा। लोग हर बार यहाँ पूजा करते थे, लेकिन अभी यहाँ कोई भी भक्त नहीं आ रहा है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि श्रीलंका में घूमने के लिए समुद्र तट और रामायण के इतिहास से संबंधित कई जगह है, लेकिन संकट के कारण लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। एस्ट्रॉइड धरती के लिए लंबे समय से खतरा माने जाते हैं। धरती से एस्ट्रॉइड की टक्कर होने पर भारी तबाही मच सकती है। पृथ्वी से डायनासोर के खत्म होने का कारण एस्ट्रॉइड का धरती से टकराना ही माना जाता है। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। वही अब सौरमंडल में लगातार मिल रहे एस्ट्रॉइड से पृथ्वी के लिए संकट की स्थिति है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हबल आर्काइव ने मौजूद करीब 1000 एस्ट्रॉइड ट्रेल्स को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड करीब 46 लाख मील के अंदर आता है तो धरती के लिए खतरा हो सकता है। एस्ट्रॉइड की धरती से टक्कर होते ही तबाही मच सकती है। हबल आर्काइव के डेटा में मौजूद अगर सभी एस्ट्रॉइड ट्रेल्स का पता लग जाए तो यह सौरमंडल के इतिहास के लिए अहम हो सकता है। इससे सौरमंडल से जुड़े कई अहम तथ्यों का पता चल जाएगा। पिछले 40 वर्षों से हबल आर्काइव में मौजूद इन 1000 से अधिक नए एस्ट्रॉइड ट्रेल्स पर स्पेस वैज्ञानिकों की नज़र है। स्पेस वैज्ञानिकों ने इससे पहले पिछले 20 वर्षों के हबल आर्काइव में 1700 से अधिक एस्ट्रॉइड ट्रेल्स पाए गए हैं। वही अब हबल आर्काइव में पहले से ज्ञात करीब 1000 एस्ट्रॉइड्स को लेकर बात की जा रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि खोजे गए 1031 एस्ट्रॉइड में से कुछ की पुष्टि नहीं होने की संभावना है, लेकिन बाकी हमारे सौरमंडल की क्षुब्ध ग्रह
आबादी के बारे में हमारी समझ को समझने में मदद करेंगे। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।